नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट में। और आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ट्रांसपेरेंट होना सिखाऊंगा, गायब होना मेरा मतलब है जो आपके क्लोज हैं वो गायब करना सिखाऊंगा। अरे अब आप गलत मतलब मत समझिएगा इसका, मेरा मतलब है आपके कपड़े ट्रांसपेरेंट जरूर होंगे, बट आपकी जो बॉडी है वो नहीं दिखेगी, जो पीछे का बैकग्राउंड है वो दिखेगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले रखा है। अगर आपको भी कुछ ऐसे ही बैकग्राउंड डाउनलोड करने हैं तो मैं सिंपल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से सिंपल जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले मेरी जो ये बैकग्राउंड ले रहे हैं, मैं इसको अनलॉक करूंगा, इस पर डबल क्लिक करके मैं इसे लेयर जीरो में कन्वर्ट कर लूंगा। लेयर जीरो में कन्वर्ट करने के बाद मैं सिंपली फाइल में जाऊंगा, फाइल में एक ऑप्शन मिलता है आपको प्लेस अबेंडेड का, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और अपना मॉडल उठा लूंगा। जैसे मैं ये फ़ोटो ले रहा हूं, आप कोई सी भी फ़ोटो ले सकते हैं, आप चाहे अपनी फ़ोटो ले सकते हैं, कोई सी भी फ़ोटो ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट याद रखिएगा आपने जो क्लोथ्स पहने हो वो, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा लिखा वगैरह ना हो तो बेटर है। अब मैं इस फोटो को एडजस्ट करूँगा अपनी बैकग्राउंड लेयर के साथ, लाइक मैं इसके पहले ओपेसिटी डिक्रीज कर देता हूँ। इसके बाद अब मेरे को जहाँ पे इसे प्लेस करना है और जितना प्लेस करना है मैं इस हिसाब से इसे एडजस्ट कर लूँगा। जैसे मैं इतना प्लेस करना चाहता हूँ इसे, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है इतना, तो मैं सिंपली एंटर प्रेस कर दूंगा। इसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ओपेसिटी का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली यहाँ से ओपेसिटी वापसी इंक्रीज कर लेनी है इसकी। ओपेसिटी इंक्रीज करने के बाद आपको इसका सिलेक्शन बनाना है, क्योंकि मैंने इसका जो बैकग्राउंड है इससे रिमूव करना है। इसके लिए मैं मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ करूँगा, आप कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं, जौन सा भी आपको अच्छा लगे, जैसे क्विक सिलेक्शन टूल है या फिर और कोई भी टूल है। ये देखिए सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद अब मेरे को मल्टीपल क्लिक करने होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से कुछ गायब है, ये चीज़ है। इसके लिए यहाँ पे आपको जो डबल सेकंड ऑप्शन है आपको सिंपली इस पर क्लिक करके रखना है, और इसके बाद इस तरीके से आपको उसका सिलेक्शन बना लेना है। देखिए कितनी ईजिली हो रहा है, अगर एक जैसा बैकग्राउंड तो बहुत ईजी हो जाता है। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल वापसी सिलेक्ट करूँगा और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे सिलेक्ट करूँगा। इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करने के बाद मैं इसे एडजस्ट कर लूँगा, ब्रश का साइज इंक्रीज कर लेंगे और उसके बाद इसे एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। अगर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट इधर उधर भी हो जाती है तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हम इसे देख लेते हैं और कहीं तो नहीं, नहीं और बाकी सब ठीक है। इसके बाद मैं सिंपली जूम आउट करूंगा। जूम आउट करने के बाद मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन, जूम आउट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एड लेयर मास्क का, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और मास्क बना लेना। ऑप्स पर ये उल्टा हो गया है, इसलिए इसके सीधा करने के लिए सिंपली इसका जो मास्क बनाया आपने इस पे क्लिक करके रखिएगा और कंट्रोल प्लस आई दबा के इसे इन्वर्स कर लीजिएगा इस तरीके से। देखिए ये बड़े इजीली इन्वर्स हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ वाइट लाइंस देख रही होगी, इसको रिमूव करने के लिए आप सिंपली अपना ब्रश टूल लेंगे, फोरग्राउंड में ब्लैक कलर रखेंगे और जो आपका मास है इसे सिलेक्ट करके रखिए और सिंपली यहाँ पे इस तरीके से फेर दीजिए। ये देखिए इतना ईजिली ये गायब हो गया है। इसके बाद आपको जो क्लोथ है इसका सिलेक्शन बनाना है, इसके लिए आप क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे हम, और मैं सिंपली बड़ा कर लेता हूँ ब्रश को और प्लस पे साइन पे क्लिक करके रखेंगे और सिंपली इस तरीके से आप इसका सिलेक्शन बना लेंगे। ये देखिए सिलेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा इसका क्लोथ्स का। अब जो स्ट्रिप्स हैं इन मोहतरमा के कपड़ों की, इसे भी कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्या पहना है, इसे जो कुछ भी बोलते होंगे आई डोंट नो, हमें इसका पूरा सिलेक्शन बनाना है। मैं ब्रश का साइज छोटा कर लूँगा
और यहाँ से इसका सिलेक्शन बना लो। चलिए मैं सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने जो मॉडल वाली लेयर है इस पर आपको क्लिक करना है, नॉट मास्क पे नहीं, जो लेयर है उस पर, और सिंपली कंट्रोल प्लस जे दबा देना है। मैजिक। अब आप पूछेंगे क्या हुआ है मैजिक, तो अगर मैं आपको ये लेयर बंद करके दिखाऊं तो ये मैजिक हुआ है, हमारे जो क्लोथ था वो अलग उसमें आ गया है। मैं इसे बंद करूँ तो ये देखिए, वापसी ओपन करके दिखाऊँ तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको इसे डिसैचुरेट करना है, इसके लिए आप जो अपनी क्लोथ वाली लेयर इस पर क्लिक करके रखेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इमेज में जाएंगे, इमेज में आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाना है आपको, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिसैचुरेट का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसे डिसैचुरेट कर लेना है इस तरीके से। डिसैचुरेट करने के बाद आपको जो इसका मोड है वो नॉर्मल से सॉफ्ट लाइट में कर देना है इस तरीके से, और जो आपकी लेयर है मॉडल वाली इस पर क्लिक करना है और कंट्रोल दबा के रखना है, और जो आपकी क्लोथ है वाली लेयर है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है इस तरीके से, तो ये सिलेक्शन वापसी आ जाएगा। सिलेक्शन वापसी आने के बाद आप अपना ब्रश टूल लेंगे और जो फोरग्राउंड में ब्लैक कलर रखेंगे, और आपकी जो हार्डनेस है उसे आप 100 पे रख देंगे, पूरी 100% कर रखने के बाद आपको सिंपली इस पर फिल कर देना है इस तरीके से। पर याद रखिएगा आपको ये जो है मॉडल वाली लेयर में करना है, मतलब जो मॉडल वाला मास्क है ये वाला, इस पर आपको करना है। ये देखिए इतना इजीली हमारा हो रहा है ये, और ये हमने कर दिया, ये देखिए। इसके बाद हम सिलेक्ट में जाके जो हमने सिलेक्शन बनाया इसे हम डीसेलेक्ट कर लेंगे सिंपली, और जो इसे ये और जैसे ये एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसे सिंपली रिमूव करेंगे। देखिए इस तरीके से आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पे रेडिश से आ रही है, मतलब जो क्लोथ है वो सिलेक्शन परफेक्ट ना होने की वजह से हो जाता है कभी कभी, तो हम इसे सिंपली इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं ईजिली, काफ़ी ईजी है ये। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, और देखिए अब जैसे यहाँ पे भी है तो मैं सिंपली इसे भी रिमूव कर दूंगा, यहाँ से भी, ये हो गया। इसके बाद इधर से भी हम कर देंगे, ये सही है। इसे रिमूव करने के बाद आप सिंपली जूम आउट करेंगे, जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये देखिए। अब इसके बाद हमें इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है कुछ, तो उसके लिए मैं अपनी जो क्लोथ वाली लेयर है उस पर क्लिक करके रखूँगा, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडजस्टमेंट का, आप सिंपली यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं जोन सी भी है, जैसे मैं कर्व्स लेता हूँ। कर्व्स लेने के बाद आप याद रखिए आप जो भी एडजस्टमेंट करें यहाँ पर क्लिपिंग मास्क ऑन कर लीजिए, क्लिपिंग मास्क ऑन करने के बाद आप ऐसे ऐसे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, तो मैं सिंपली अभी अपर पार्ट जो है सिर्फ वो देख रहा हूँ, ये वाला ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाए, हाँ ये बेटर लग रहा मुझे थोड़ा सा, अब थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी शेप आनी शुरू हो गई है देखिए आप, तो इसके बाद मैं सिंपली इसे बंद करूँगा, और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट जहाँ पे आपको नहीं चाहिए आप वो सिंपली रिमूव कर सकते हैं, बस ये जो इसकी लेयर है इस पर क्लिक करके रखिएगा, ब्रश लेके रखिएगा फोरग्राउंड में ब्लैक कलर, और जो इसकी हार्डनेस है वो आप इस बार 0% पर कर दीजिएगा, बिल्कुल डिक्रीज कर देंगे, और उसके बाद सिंपली ब्रश का साइज बड़ा करेंगे ब्रैकेट की से, और जहाँ जहाँ पे आपको नहीं चाहिए आप सिंपली
इसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हाँ ये बेटर लग रहा है मुझे, ये हो गया है। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे मॉडल का कलर और जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैच नहीं कर रहा है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए आप सिंपली जो मॉडल वाली लेयर है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप फिर से एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कर्व्स का, फिर से आप इस पर क्लिक करिए। याद रखिए आपको क्लिपिंग मास्क ऑन करके रखना है, क्लिपिंग मास्क ऑन करिए और इसे एडजस्ट कर लीजिए मॉडल के हिसाब से अपने, मतलब आपके जो मॉडल है और जो बैकग्राउंड है। ये देखिए अब बेटर लग रही है पहले से। थोड़ी सी और एडजस्टमेंट, आई थिंक ये थोड़ी सी गोरी हो गई ज़्यादा, चलिए थोड़ा मोहतरमा को काला किया जाए, ये बेटर लग रहा है मुझे। मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब अगर आप, मैं आपको बंद करके दिखाऊँ एडजस्टमेंट लेयर, तो देखिए ये पहले था और ये कर्व्स में थोड़ी सी छेड़खानी करने के बाद है, छेड़खानी करने के बाद सॉरी। अब जो क्लोथ है इसमें आपको थोड़ी सी और एडजस्टमेंट करनी है, तो मैं सिंपली जो मेरी क्लोथ वाली लेयर है इस पर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्लेंडिंग ऑप्शन का, आप सिंपली इस पर जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खोल देगा। इसके बाद आप यहाँ से इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे आउटर ग्लो है आप आउटर ग्लो दे सकते हैं और इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे आप। आई थिंक ये बेटर है और मैं इसमें स्ट्रोक दे देता हूँ, स्ट्रोक को भी। अब देखिए स्ट्रोक अगर मैं ऑन ऑफ करूँ तो ऑपेसिटी इंक्रीज कर देता हूँ मैं इसकी, और साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम कर देंगे हम, आई थिंक 9% बेटर है। इनर शेडो दे देते हैं, अच्छी लग रही है। तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे आपको सही लगे, सिंपली ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद थोड़ी सी कमी और लग रही है मुझे, जो ये रोड है बहुत सीधी आ रही है, चलिए इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। इसके लिए मैं सिंपली कंट्रोल प्रेस करूँगा और जो मेरी क्लोथ वाली लेयर इस पर एक बार क्लिक करके इसका क्लोथ का वापसी सिलेक्शन ले आऊँगा। सिलेक्शन लाने के बाद मेरी जो बैकग्राउंड लेयर है मैं उस पर क्लिक करूँगा। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरी फ़ोटोशॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से मुझे ये जो इफ़ेक्ट है वो दोबारा बनाना पड़ा, तो मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से मैंने पहली वीडियो में ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पे आपको याद होगा मैंने बोला था कि आपने लेयर वन पे, मतलब जो ये क्लोथ वाली लेयर है इस पर कंट्रोल दबा के क्लिक करना है ताकि जो सिलेक्शन है वो बन जाए। उसके बाद आपको अपनी जो लेयर ज़ीरो है बैकग्राउंड के इस पर आना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली फ़िल्टर में जाना है, फ़िल्टर में आपको डिस्टॉर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसमें जाके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वेव का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपको जो आपकी यहाँ पे वेव लेंथ है इसको आपको इंक्रीज करना है अपनी फ़ोटो के हिसाब से, जस्ट जितना आपको सही लगे आप उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मेरे को ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। और जो नंबर ऑफ आपका जनरेटर्स हैं ये आपको 5 पे रखना है, 5 पे, या फिर आप अगर और डिक्रीज कर दें इसे 1 पे रख लें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है। अब आप पूछेंगे इससे क्या होगा, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूँ तो देखिए क्या होता है, ये होता है इसको इंक्रीज करके, इसलिए मैं हमेशा इसे 1 पे ही रखता हूँ। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसे 1 पे ही रखिए और जहाँ से वेव लेंथ है इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप जितनी वेव चाहते हैं इसमें इतनी काफ़ी है मेरे ख्याल से। और एम्पलीट्यूड थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया, आई थिंक 9 के समथिंग बेटर है, और मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, ये सही लग रहा है मुझे। इसके बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है, अब देखिए क्या होता है, और ये हो गया जादू, ये होता है इससे। अब आप देखेंगे जो बाहर का पार्ट है वो तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बट जो ड्रेस का है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, इससे ये फायदा होता है।
तो यहाँ पे हमारा जो इफेक्ट है वो बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और इस फोटो से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा।